मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। अखिलेश जैसे लोगों की सोच पर तरस आता है। हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। कोरोना को जड़ से समाप्त कर देने के लिए कोवैक्सीन तैयार, कोविशील्ड तैयार, लेकिन इन खुशियों पर सियासत भारी हो रही है। पूरा विपक्ष कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की ओर से दो जिम्मेदार और बड़े नेताओं ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाए। कोवैक्सीन ने अभी तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं किया है, वक्त से पहले मंजूरी जोखिम भरा हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए, ट्रायल से पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया। जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कभी उन ऐसी अपेक्षा नहीं थी, उनको पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, और ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए देश की जनता उनको कभी क्षमा करने वाली भी नहीं है। किस तरह की बात बोली जा रही, कहा जा रहा है कि नपुंसक बना देगी वैक्सीन, ये क्या जबान है, क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा करना क्या देश के लोगों के साथ न्याय है? इस पर देश कभी क्षमा करने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी है? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को एतराज है? ये भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस, ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी, देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। सवाल यह है कि जब वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीन तैयार है, तो फिर विपक्ष वैक्सीन पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है? सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन किसी दल विशेष की हो सकती है? क्या वास्तव में वैक्सीन को लेकर अभी भी किसी तरह का भ्रम है या भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? दिल्ली से मिलन शर्मा और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।